हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं देखना है। सिंपल सी बात है, बेसिक क्वेश्चन। मैंने एग्जांपल लिए, एग्जांपल द्वारा आपको समझा दूंगा, बहुत इजी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 2x अपॉन 1 + x² है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले 1 + ये जो इंटीग्रेशन करना है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबको इंटीग्रेशन लगा देना है यहाँ पे, और यहाँ पे साइड में dx लिख लो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 2x / 1 + x² इंटीग्रेशन करना है इसका, तो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं। 1 + x² इज इक्वल टू, अपन इसको t समझेंगे, बराबर है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कभी भी याद रखना, इसका जो लेते हैं उसको t समझ से उसको डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा और x² का 2x होगा, और dx इज इक्वल टू dt, बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2x लिख सकते हो, बराबर है। तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 + t² मतलब क्या होगा, टी डी टी की जगह डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, डी टी अपॉन 2x लिखोगे, बराबर है। तो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा अपना, 2x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को बचा क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/t (dt). तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t मतलब दैट इज लॉग मॉड टी प्लस सी, बराबर है। तो आपको पता है टी की जगह क्या लिखना है, टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, आंसर, फाइनल आंसर, लॉग मॉड 1 + x² + c, दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 2x / 1 + x². क्लियर, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग x² / x, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात, लॉग एक्स को टी समझ लूँगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, 1/x (dx) इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, इधर जाने के बाद x dt हो जाएगा, बराबर है, x dt हो जाएगा, राइट। तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, पुट करने के बाद देखो क्या आ सकता है, लॉग एक्स मतलब दैट इज t² ओके अपॉन x (dx) की जगह क्या लिखोगे, dt(x). तो x x कट जाएगा, t² का पावर रूल लगेगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, t(2+1)/(2+1)+c। तो आंसर क्या आ सकता है, t(3)/(3+c), ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, लॉग x³/(3+c), दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर एवरीवन, राइट। और एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा, x 1/x + log x, 1/x + log है, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इसको x को कॉमन लिख लूँगा, 1 + log x लिख सकते हैं, राइट, इंटू dx, और इसको मैं डेरिवेटिव किसको करूँ, यहाँ पे सिंपल सी बात, डेरिवेटिव किसका करना है, 1 + log x को मैं समझ लेता t, बराबर। अगर आप इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या होगा, 1/x (dx) इज इक्वल टू dt, इसको इधर भेजूँगा तो क्या होगा, dx = x(dt), बराबर है। अब ये जो अपना आंसर है इसमें पुट करना है dx की जगह, तो क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x के जगह अपन को x ऐसे ही लिखना है, 1 + x log x बोल तो t समझाए, t (dx) का क्या लिखना है, x (dt). तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, कटने के बाद 1/t मतलब log mod t + c, t की जगह आपको लिखना क्या है, log mod क्या लिख सकते हो, 1 + log x + c, दिस इज योर फाइनल आंसर, एवरीवन क्लियर। अच्छे से देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं।